आदित्यनाथ को भी राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम के लिए निमंत्रण दिया गया है। सीएम योगी भी अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम में शामिल होंगे। योगी आदित्यनाथ ने ट्वीट करके लिखा, आज जीवन धन्य हो गया, मन आह्लादित है। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के सम्मानित पदाधिकारी स्वामी गोविंद देव गिरी जी महाराज, श्री चंपत राय जी एवं श्री राजेंद्र पंकज जी ने श्री राम जन्मभूमि मंदिर में भगवान श्री राम लला सरकार के नूतन बाल रूप विग्रह की प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम हेतु मुझे आमंत्रित किया है। आभार। जय जय सीताराम। राम जन्मभूमि पर बन रहे नए बड़े भव्य और दिव्य मंदिर में जो नूतन विग्रह की प्राण प्रतिष्ठा है, सोमवार 22 जनवरी 2024 उसमें मुख्यमंत्री महोदय पधारें, इसके लिए हम निवेदन करने आए थे। राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा में अब कम दिन रह गए हैं। मंदिर में निर्माण कार्य समय से पूरा करने के लिए फाइनल फ्रेम वर्क पर काम किया जा रहा है। राम भक्त भी अब 22 नवंबर का इंतजार कर रहे हैं, जिस दिन अयोध्या के भव्य मंदिर में राम लला विराजेंगे। कोई फर्क नहीं है राम की अयोध्या में और आज की अयोध्या में। आज की अयोध्या भी अपने साथ राम की अयोध्या के साथ में धैर्य समेटे हुए है और उसी धैर्य का नतीजा आप 22 जनवरी को देखेंगे और उसी धैर्य का नतीजा आप बीते 6 सालों से देख रहे हैं और 7वीं साल भी अपना ही रिकॉर्ड तोड़ने अयोध्या जा रही है। अयोध्या जगमगाने के लिए तैयार है, अयोध्या सज कर तैयार हो गई है कल के लिए भी और अयोध्या आगे भी सजती रहेगी, तैयार होगी 22 जनवरी के लिए भी, क्योंकि 22 जनवरी को सिर्फ देश नहीं देखेगा, दुनिया देखेगी अयोध्या को, एक नए अयोध्या को, एक दिव्य अयोध्या को, एक जगमगाते अयोध्या को।